भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी के नेतृत्व में सिंचाई विश्राम गृह में आयोजित हुई। बैठक में भाजपा की मंडल कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी गठन की जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष राकेश पुरोहित ने बताया कि जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए बताया कि भाजपा कार्यकर्ता नेत्रपाल राणा, विकी वर्मा व सुखदेव शर्मा का कमोदा को मंडल उपाध्यक्ष, रमेश वर्मा व सतपाल गढ़ी रोडान को महामंत्री, सुशील गर्ग को मंडल कोषाध्यक्ष, पवन पांचाल, सतीश भटेड़ी, विकास गोलन, आदित्य बहल, सतीश किठानिया को मंडल सचिव व रविंद्र सिंह को सह मीडिया प्रभारी मनोनीत किया गया। जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि भाजपा ने पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए हैं, जिसके चलते आज पूरे प्रदेश में भाजपा के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बोलते हुए जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त भारी मतों से विजयी होंगे। आज बड़ौदा हलके के अनेकों नेता भाजपा में शामिल होने से अब भाजपा की जीत निश्चित हो चुकी है। उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस, इनेलो व अन्य सभी पार्टी के प्रत्याशियों को बुरी तरह पराजित कर सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाएंगे। इस अवसर पर भाजयुमो मंडल अध्यक्ष विकल कुमार चौबे, जिला महामंत्री सुशील राणा, कुलदीप छत्रीवाला, तिलकराज संधोला, जय भगवान भैंसी माजरा, परमजीत सहित अनेकों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। मेरे छोटे भाई और जिला के महामंत्री सुशील राणा जी, इस मंडल के अध्यक्ष और सदा ही आपके बीच में रहने वाले और जिनका समय समय पर आपको मार्गदर्शन मिल रहा सुनता रहा, ऐसे राकेश पुरोहित जी और मेरे साथी जिसने मेरे साथ युवा मोर्चा में काम किया, युवा मोर्चा में तो वैसे राकेश ने मेरे साथ काम किया है, हमने इकट्ठी ये मंडल के अध्यक्ष होते थे, मैं जिले का अध्यक्ष होता था युवा मोर्चा में और अब भी वही है, मैं जिले का अध्यक्ष हूँ, ये मंडल के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही एक और साथी मेरे जिन्होंने मेरे साथ प्रदेश की कार्यकारिणी में काम किया, मैं प्रदेश का मंत्री था युवा मोर्चा में और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, कुलदीप कौशिक जी छत्रीवाला और तिलकराज संधोला जी और जो अभी नई नियुक्ति हुई है, जो उपाध्यक्ष बनाए नेत्रपाल राणा जी, विक्की वर्मा जी, सुखदेव शर्मा जी, महामंत्री रमेश वर्मा जी और सतपाल जी और मंत्री में पवन जी, सतीश जी, विकास गोलम जी, आदित्य जी, सतीश पटेड़ी जी और कोषाध्यक्ष में सुशील गर्ग जी और सह मीडिया में रविंद्र जी, इसके साथ और अपने जो आमंत्रित सदस्य हैं स्थाई और इसके साथ ही जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और अपने जो मंडल की कार्यकारिणी है पूरी, तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको इस मंडल में और मुखिया टीम में काम करने का मौका मिला। मैं एक बात बताना चाहूंगा, सुशील जी ने काफी बातें आपको बताई कि दायित्व लेना बड़ा आसान है, आज आपको ये दायित्व मिला है कोई मुश्किल काम नहीं है, शायद आप में क्वालिटी थी, कोई अच्छी क्वालिटी थी, आपको ये दायित्व दिया गया, लेकिन के साथ साथ और भी कार्यकर्ता है हमारे, वो भी एक से बढ़कर एक है, ऐसा नहीं है जितने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं सभी एक से बढ़कर एक है, लेकिन पार्टी का कोई सिस्टम है, आप इतने पदाधिकारी बनाने हैं, इससे पटल बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आज आपको जो मौका मिला और जिनको मौका नहीं मिला, आपको मंडल का मौका मिला, आप बधाई के पात्र हैं और मेरी शुभकामनाएं सदा ही आपके साथ रहेंगी और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे ड्रम में जो 3 या 4 साल की ड्रम है, लेकिन जिनको इस टीम में मौका नहीं मिला उनमें से हो सकता है जिले की टीम में जाएं, राकेश जी बैठे हैं, आप में से जिसका भी नाम सुझाएंगे कोई अच्छा कार्यकर्ता है तो वो जिले की टीम में भी आएगा हमारे साथ, और हो सकता है कोई कार्यकर्ता ऐसा है वो प्रदेश की टीम में भी उसको भेजेंगे, तो दायित्व मिलते रहते हैं,